मैंने दुनिया का सबसे खतरनाक एस्केप रूम बनाया है और अगर कंटेस्टेंट्स एक घंटे में इसे पार करते हैं तो जीत जाएंगे $1,00,000। लेवल 1 बहुत सिंपल है, इन्हें इन स्पाइक से बचकर एस्केप रूम से निकलना होगा। मैं तो चला बाहर। ये तो एक्चुअली काफी शार्प है। टू बैड, कमरा छोटा हो रहा है। ओह माय गॉश, अरे नहीं, रेत गिर रही है। hey, तुम्हें कमरे से निकलना होगा। ब्रेक वॉल तोड़ दो। वॉल तोड़ो। टूल्स, टूल्स लेके आओ। लेवल 1 में ही इनकी हालत इतनी बुरी हो चली। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी तोड़ो, जल्दी चलो। ओह माय गॉड, ये किस तरह का मजाक है। ये तो 10 में से पहला लेवल था। इन्हें हर लेवल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि वो इस $1,00,000 तक पहुंच सके, वो भी टाइमर में जीरो होने से पहले। और बता दूं कि टाइमर अब भी चालू है। तो हमें चलना चाहिए गाइस। अंदर जाओ। अरे क्या, ये क्या है? यहाँ इस कमरे में चाबी छिपी हुई है। गुड लक। इस घड़ी के पीछे तो नहीं, यहाँ पे ऊपर हो सकती है। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है। मुझे लाइट बल्ब के अंदर चेक कर लेना चाहिए। लाइट बल्ब के अंदर नहीं है। कहाँ है ये चाबी? जेंटलमैन, आपको ये $1,00,000 दिखाई दे रहे हैं? ठीक 55 मिनट में इन्हें हम इस आग में धकेल देंगे अगर इन्हें इस कन्वेयर बेल्ट से हटाया नहीं गया तो। चाबी कहाँ रखी जाती है? चाबी कहाँ रखते हैं? अगर मैं जिमी की जगह होता तो उसे टोस्टर में रखता। नहीं, टोस्टर में नहीं है। हमने कहा नहीं देखा। मुझे धक्का देना। यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? अरे वो देखो। मिल गई, मिल गई। देखो, चेक करो, वो अकीरा की पीठ पर खड़ा हुआ है। दरवाजा खुल गया। क्या बात है, ये तो माइनक्राफ्ट है। ये लेवल माइनक्राफ्ट का है। पता नहीं एग्जिट का TNT ब्लॉक से कुछ लेना देना है या नहीं। इसे उड़ाना होगा। तुम्हें सच में लगता है ये फटेगा? जानने का एक ही तरीका है। मैं अपने चेक पॉइंट पर हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो एक गुफा है और आग भी है। यहाँ पर एक बो है। शायद मैं समझ चुका हूँ। आपने माइनक्राफ्ट खेली होगी तो आप जानते होंगे कि एक फ्लेमिंग एरो से TNT ब्लॉक फट जाता है। जैसे ये शूट करेगा हमें भागना होगा। शूट करते ही भाग जाना। ओके ठीक है, 3, 2, 1। अरे निशाना चूक गया, मिस कर दिया इसने। 3, 2, 1। ये निशाना लगाने में दिक्कत हो रही है मुझे। क्या ऐसे ही घुसा दोगे क्या? अरे नहीं, क्या बनाया है जिमी? दीवार बची भी है या नहीं? चलो 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 चलो, ठीक है, ओके। वो ओ, एक बकरी, असली बकरी है। हेलो बॉयज, वेलकम टू लेवल 4। जिमी चुप करो, यहाँ एक बकरी है। हाँ जानता हूँ। देखने में लगता है कि इस लेवल में इन्हें पत्थरों के बीच से इस चाबी को निकालना है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि दरवाजा तो खुला है, वो जब चाहे जा सकते हैं। देखते हैं उन्हें ये समझने में कितना वक्त लगता है। अकीरा, तुम ऐसे ही $1,00,000 छोड़ दो बकरी के लिए? लगता है इस बड़े एक्स से निकालना होगा। मुझे लगता है बकरियां बताएगी चाबी कैसे निकलेगी। हमारे वीडियोस में अकीरा करीब $2,000,000 हार चुका है, उसकी मदद नहीं करोगे? मैं मदद करूंगा। उन्होंने खोदने में बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है तो मैंने सोचा कि उन्हें एक हिंट दे ही दूं। पूरा दिन चला जाएगा। ओह माय गॉड, बस की निकाल लो, दरवाजा तो खुला ही होगा। क्या, बस की ले लो, दरवाजा खुल जाएगा। आओ गाइस देखते हैं, दरवाजा तो खुला है। गाइस चलो, दरवाजा तो खुला ही है। मेरे रेप्लिका होटल में आप सभी का स्वागत है। हमने जैकिन की मदद से ये ट्रिक होटल बनाया जिसमें बहुत सारे कमरे और सीक्रेट हॉलवेज हैं, लेकिन क्रिस ने कोड क्रैक कर लिया फेक ब्रिक वॉल पर लात मारकर। ओह, यहाँ एक एंट्रेंस है। ओह क्या बात है, वाओ, ये तो बढ़िया है। वो यहाँ तो बहुत सारे सांप हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं कितने बड़े हैं। एक सांप तो 18 फुट लंबा है जिसका वजन 200 पाउंड है। मैं अंदर जाता हूँ। क्या लगता है इस पर खड़ा होना होगा। एक्सक्यूज मी ब्रो, जल्दी से पैर हटा लो। ओह, ये तो बंद हो गया। तुम समझ चुके होगे कि क्या करना है। अकीरा को यहाँ छोड़ेंगे, किसी को प्रेशर प्लेट पर खड़े रहना होगा। देखो, किसी को तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। कौन रुकेगा, मैं या तुम? शूट बोलते ही एक बार में डन। शूट बोलते ही सिंगल राउंड। एक बार में या थ्री पर चलते हैं। थ्री ठीक है। रॉक जाओ, 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 तुम जाओ, क्या तुम कर जाओ। रहे हो, मैं तो हारा भी नहीं था। ये तो असली सांप है। गुड बाय क्रिस। रुको, मैं नहीं आऊंगा क्या? इस बड़ी सी लाइब्रेरी में 1,000 से भी ज्यादा किताबें रखी हैं, लेकिन सिर्फ एक से ही दरवाजा खुलेगा और सिर्फ 19 मिनट बाकी है। ओके, वक्त निकलता जा रहा है। एलन मस्क, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कहाँ देख रहे हैं? वो इस तरफ देख रहे हैं। तुम्हें कैसे पता वहाँ देख रहा है? क्या मतलब मुझे कैसे पता? जिस डायरेक्शन में उनकी आंखें पॉइंट कर रही हैं। अकीरा, अगर तुम हमें 1,00,000 में से $5,000 जलाने दो तो तुम्हें हिंट दे दूं। हाँ ठीक है, पक्का ना? हाँ। ए चैंडलर ब्रो, 5,000 जला दो। ठीक है, वो 5,000 ही थे ना। अब जब पैसे जल चुके हैं, मैं एक डायरेक्शन में पॉइंट करूंगा। अरे नहीं, एलन मस्क, मुझे पढ़ना नहीं आता। वही दिक्कत है, तुम्हें काल को भेज देना चाहिए। बाहर कैसे निकले? वो, इसमें एलन मस्क लिखा है। खींचो उसे। ठीक है। चलो चलो, तुम्हारे पास 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा है 100 ग्रैंड और 95 ग्रैंड जीतने के लिए। 13.5 मिनट बचे। ओके,
अकीरा, लेवल 9 में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें याद है शुरुआती लेवल में तुम्हें एक कुल्हाड़ी और हथियार मिले थे, याद है तुम्हें? चलो वापस जाना पड़ेगा। 13 मिनट से कम का वक्त है तुम्हारे पास। अगर अगले 11 मिनटों में उसने इन पैसों को हाथ नहीं लगाया तो तुम इन्हें आग में फेंक देना। इस तरह से? हाँ। ओह गॉड, उसने सच में जला दिए। ओके, टाइम नहीं है, जल्दी करो। ये फाइनल लेवल है, तो अगर तुम वहाँ देखोगे तो तुम्हें वहाँ कुछ $90,000 दिखाई देंगे। तुम्हें बस लावा में गिरे बिना वहाँ जाकर उन्हें हाथ लगाना है। ठीक है, तुम इस चैनल पर सिर्फ $2 million ही हार चुके हो ना इन वीडियोस में। हाँ। ये कहने का कोई फायदा नहीं, बस ऐसे ही जिक्र किया। रुको रुको रुको, ठीक है, तुम्हारा हैमस्ट्रिंग कैसा है? ठीक है, उस वजह से पहले भी हार चुके हो। रेडी, कम ऑन। ऑल राइट, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। मैं अकीरा को गुदगुदी करना चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सीरियस है और वो पैसे सच में जीत कर ले जाएगा। गुदगुदी मत करना। गुड, ओके। और अब आखिरी पड़ाव, तैयार? मैं कर दूंगा। $1,00,000, सोचो उनके बारे में। ओ ब्रो, ये तो बहुत ही आसानी से कर रहा है। आ गए सफलता। उसे आग में मत गिरा देना। नकली पैसे हैं क्योंकि असली पैसे जलाना गैर कानूनी है, लेकिन असली पैसे यहाँ इन बैग्स में रखे हुए हैं। और आप जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गो बेबी, मैं जीत गया। अब मेरी इन सांपों से दोस्ती हो चुकी है, ये मुझसे बातें करते हैं।